सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश पॉइंट फिल्म के बारे में कि असल में ये फिल्म आएगी या नहीं, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि जस्टिस लीग बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म थी, जिसके बाद फिर भी डीसी ने ये अनाउंस किया कि वो फ्लैश पॉइंट फिल्म जरूर बनाएगा। और साथ ही साथ खबर ये भी आई थी कि हमें इस फिल्म में बैटमैन का रोल करते हुए जेफरी डेन मॉर्गन नजर आएंगे। लेकिन अगर सच कहो तो मैं नहीं चाहता कि ये फिल्म बने। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल तो डीसी काफी अच्छा चल रहा है और फिर से वही गलती कर देना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, जिसका शायद आपको भी आइडिया होगा। तो अब बात करें इस फिल्म में होने वाले एक्टर जेफरी डेन मॉर्गन के बारे में, तो उन्होंने इस फिल्म को लेकर कुछ अपडेट दिया है। वो यहाँ पर कॉमिक कॉन के इवेंट को अटेंड करने आए थे, क्योंकि उनके वॉकिंग डेड शो का सीजन 9 आने वाला है। तो वहाँ पर उनसे फ्लैश पॉइंट फिल्म को भी लेकर सवाल पूछे गए, जहाँ पर उन्होंने साफ साफ बताया कि जब मैंने पहली बार बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फिल्म को साइन किया था, तब मुझे ये लगता था कि फ्यूचर में जब फ्लैश पॉइंट फिल्म बनेगी तो उस फिल्म में मुझे बैटमैन का रोल जरूर मिलेगा। लेकिन अब चीजें काफी बदल गई है, जैसे कि अब इस प्रोजेक्ट में जैक स्नाइडर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैं कहीं कहीं ये भी सुनता हूँ कि अब डीसी इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं रखेगा, उसने कुछ अलग प्लानिंग की हुई है। ये सारी चीजें मुझे सुनने में आती है और सच में शायद ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ये फिल्म देखने ना मिले। तो अगर सच में डीसी ने ये प्लानिंग कर ली है तो डीसी बिल्कुल सही जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि जेफरी ने जो अपडेट दिए है इस फिल्म से रिलेटेड वो सही है या गलत। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।